हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही कुछ प्रश्न देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले कुछ ग्रैंड स्लैम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर चार तरह के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं जो कि मिड जनवरी में हुआ, जो कि अभी हुआ है। फ्रेंच ओपन है जो कि मई या फिर जून में होता है। विंबलडन ओपन जो कि जून या फिर जुलाई में होता है। और यूएस ओपन है जो कि अगस्त और सेप्टेम्बर में होते हैं। अलग अलग स्लैम टूर्नामेंट है जो कि अलग अलग प्लेइंग एरिया होते हैं अलग के। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन है जो कि क्ले कोर्ट मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। और विंबलडन ओपन है जो कि घास के मैदान में खेला जाता है। और यूएस ओपन है जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन है जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जो ये टूर्नामेंट होते हैं वो 5 कैटेगरीज में होते हैं, जैसे कि मेन सिंगल में, वुमेन सिंगल्स, मेन डबल और वुमेन डबल्स और मिक्स डबल्स में होते हैं। तो कुछ और बातें जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में। ये हर साल है जो कि जनवरी में मनाया जाता है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है हर साल और ये मैनेज किया जाता है टेनिस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और पहला बार हेल्ड हुआ था 95 में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो इस बार हो रहा है 2020 में, वो 108वां एडिशन है। तो अब देखते हैं इस बार जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ वो कौन कौन विनर हुए हैं और रनर अप है। तो मेन सिंगल में जीते हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये उनकी फिगर है, तो आप देख सकते हैं ये है नोवाक जोकोविच। और जो रनर अप थे वो थे डोमिनिक थीम थे, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। वुमेन सिंगल में विनर है जो कि सोफिया केनिन है, जो कि यूएस के है। ये है उनकी फिगर सोफिया केनिन का। और जो रनर अप है वो है गैबरिन मुरुगुरुजा, जो कि स्पेन की थी। मेंस डबल में राजीव राम जो कि अमेरिका के थे, और जो सैलिसवरी जो कि ब्रिटिश के थे। और रनर अप में मेंस डबल में मैक्स पर्सेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, और ल्यूक सैविल जो कि वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे। वुमेन्स डबल में विनर है टीमिया बाबोस, और रनर अप है क्रिस्टिना मलाडेनोविक, और रनर अप है हिसिया सुबई, और एक और है जो कि बारबोरा स्ट्राइकोवा है। मिक्स डबल में जो कि एक मेंस और एक वुमेन खेलती है, इसमें जो विनर है वो है निकोला मेक्टिक और एक है बारबोरा क्रेजिकोवा, और रनर अप है जेमी मुरे और बिथैनी मैटी सैंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं ऑल टाइम जो ग्रैंड स्लैम टाइटल लीडर्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्थान पर है वो है रोजर फेडर, जो कि 20 टाइम ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। राफेल नडाल जो कि दूसरे स्थान पर है, जो कि 19 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और तीसरे स्थान पर नोवाक जोकोविच, जो कि 17 बार जीते हैं और इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन भी यही जीते हैं। और चौथे स्थान पर है पीटी सैंपरस, जो कि 14 बार जीते हैं ग्रैंड स्लैम, और रॉय इमर्सन जो कि 12 बार जीते हैं। तो कुछ और ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते हैं जो 2019 में हुए थे, जैसे कि फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के भी बारे में जान लेते हैं कि किसने क्या जीता था। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस के भी नाम से जाना जाता है। ये हर साल अस्टेड रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस में आयोजित होता है। और फ्रेंच ओपन जो 2019 में हुआ था वो 123वां एडिशन था। इसमें जो मेन सिंगल में थे वो राफेल नडाल थे, जो कि स्पेन के हैं, और रनर अप थे ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम। वुमेन सिंगल में विनर थे एशली बार्टी, और रनर अप थे मार्केट्स बोंदोर्सवा, जो कि सीजेड रिपब्लिक के थे। तो आपके यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट होते हैं मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स में, और ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके इस वीडियो को। अब देखते हैं इसके आगे। तो अब जानते हैं विंबलडन ओपन के बारे में। ये हर साल ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और कॉर्क्यूट क्लब में होता है आयोजित, जो कि विंबलडन लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। जो 2019 में विंबलडन ओपन हुआ था वो था 133वां एडिशन था। इसमें मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच जीते थे, जो कि सर्बिया के हैं, और रनर अप है रोजर फेडर, जो कि स्विट्जरलैंड के है। और वुमेन सिंगल में जीती थी सिमोना हैलेप, जो कि रोम की थी, और रनर अप थे सेरेना विलियम, जो कि यूएसए के थी। अब ये अलग अलग आप पढ़ सकते हैं मेन डबल्स, वुमेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स। अब देखते हैं आगे।
अब जानते हैं यूएस ओपन के बारे में। ये जो है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये हर साल यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित होता है। जो 2019 में यूएस ओपन हुआ था वो था 139वां एडिशन था। इसमें जो मेन सिंगल में विनर था वो था राफेल नडाल जो कि स्पेन के थे, और रनर अप डैनिल मेडवेडेव थे जो कि रसिया के थे। वुमेन सिंगल में थे विनर बियांका एंड्रीस्क्यू जो कि कनाडा के थी, और रनर अप में सेरिना विलियम जो कि यूएसए से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।